हेलो गाइस, इस आज में आपके लिए मिस्टर एनन हैकर एलविश यादव से रिलेटेड न्यूज अपडेट वीडियो का एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट बात करते हैं मिस्टर एनन हैकर के बारे में। पर गाइस, दिलराज भाई के बारे में कोई न्यूज अपडेट तो नहीं है, लेकिन गाइस दिलराज भाई की मुझे काफी अच्छी बात लगी, इसलिए आपको बताना चाहता हूं। अब हाल ही में गाइस दिलराज भाई घूमने गए हुए थे माउंट आबू में, और वहां पर गाइस इनको एक चने वाला मिलता है जो कि गाइस चने बेचता हुआ होता है। तो गाइस यहां पर काफी अच्छा मोमेंट होता है मिस्टर एनन हैकर के साथ में। तो गाइस ये मोमेंट क्या होता, चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूं। चना मसाला खड़ा भाई, यार आजा भैया, क्या नाम है आपका? सरवण। सरवण कुमार, क्या बात है यार। मैं कितना कमा लेते दिन का 500-600 नफा मिल जाता। 500-600 मिल जाता? अरे वाह यार, मेहनत भी बहुत लगती है। मेहनत बहुत लगती है। जब भी इधर से उधर घूम घूम, एक काम करो, तुम आज छुट्टी ले लो। छुट्टी लूंगा तो फिर धंधा पैसे का, मैं कह रहा हूँ छुट्टी ले लो। आज ऐसा करो, तुम आज ही है ना घर पे ले जाओ, उसको बेचो और आराम से ऐसा करो, ठीक है? बस ये जो दोस्त है ना मेरे, इनको खिला देना, ठीक है? ठीक है बस, चलो भाई, खुश हो? खुश है, हैप्पी। तो गाइस दिलराज भाई ने इस चने वाले को 500 रुपए दिए, तो गाइस मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी गाइस आप कमेंट में लिखकर बताना आपको कैसे लगा। सेकंड बात करते हैं एलविश यादव के बारे में। गाइस एलविश भाई को 3 फिल्म मिल चुकी हैं काम करने के लिए। मेरे दिमाग से निकल गया व्लॉग बनाना, खुशखबरी बांटना सब में। वैसे मैंने बिना व्लॉग के तो बता दी, पर सब लोगों को बता दूं और अपने भाइयों को बता दूं कि बॉलीवुड मिल बोला नजारा देख लो, बोला नजारा जो चीज मिल गई वो चीज बिना बोली जा रही। बॉलीवुड फिल्म मिल गई भाई तुम्हारे भाई को। अब हम पे मेरे को मिल गई टोटल 3 मूवी, एक पंजाबी, उसको पंजाबी हरियाणवी क्या बोलेंगे उसको, मतलब मिक्स है वो, पंजाब और पंजाब एक्स हरियाणा, एक तो वो है और 2 बॉलीवुड है भाई, सिस्टम बैठा दिया। 2 बॉलीवुड है और एक अपना बड़ा प्रोजेक्ट भी है, और भी अलग अलग काफी चीजें हैं।